हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस पर्व का सीधा संबंध प्रकृति और मानव से है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। यह त्यौहार समस्त भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में खासकर ब्रजभूमि पर इसकी भव्यता और बढ़ जाती है, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के लोगों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था और देवराज इंद्र का अहंकार का नाश किया था। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। पूजा के दौरान गोवर्धन पर धूप दीप नैवेद्य जल फल आदि चढ़ाए जाने चाहिए। इसी दिन गाय बैल और किसी काम में आने वाले पशुओं की पूजा की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। इस दीपक में दूध दही गंगा जल शहद बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। पूजा के बाद गोवर्धन जी की सात परिक्रमाएं लगाते हुए उनकी जय बोली जाती है। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी की जाती है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा करने से घर में धन संतान और गौ रस की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 25 अक्टूबर 2022 को शाम 4:18 से होगा और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:42 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार प्रतिपदा 26 अक्टूबर को है और गोवर्धन पूजा भी 26 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा मुहूर्त वाराणसी में सुबह 6:02 से सुबह 8:18 तक, दिल्ली में सुबह 6:29 से सुबह 8:43 तक, मथुरा में सुबह 6:26 से सुबह 8:41 तक। इसके अलावा अन्य शहरों में गोवर्धन पूजा मुहूर्त क्या रहेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। विष्णु पुराण में गोवर्धन पूजा के महत्व का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए एक लीला रची थी। इस कथा के अनुसार एक समय गोकुल में लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे थे। यह सब देखकर बाल कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तब यशोदा मैया ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। माता यशोदा के जवाब सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब यशोदा माँ ने कहा कि इंद्र देव की कृपा से अच्छी बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। माता यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है, वहां लगे पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। कृष्ण की बात मानकर सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह सब देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी घबरा गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पर उठा लिया और समस्त ग्रामवासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। यह देखकर इंद्र ने बारिश और तेज कर दी, लेकिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश के बावजूद गोकुलवासियों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद इंद्र को एहसास हुआ कि मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इंद्र को जब यह ज्ञान हुआ कि वह भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहा था, इसके बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। उम्मीद है आपको गोवर्धन पूजा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी।